भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्थात शास्त्र में जो भी प्रमाण दिया गया है वो ही भगवान के वचन है, अर्थात उसी के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि शास्त्र जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो नदियों के विषय में शास्त्र में क्या लिखा गया है, आज मैं इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, अक्सर क्या होता है कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन करते हैं, तो उसके जो फूल आदि होते हैं जिसको संस्कृत में निर्माल्य कहते हैं, निर्माल्य का अर्थ होता है भगवान पर चढ़ी हुई सामग्रियाँ। तो फिर चाहे पंडित जी भी हों, पंडित जी भी यही कहते हैं कि अब इसको साफ़ सुथरे स्थान पर बहा दीजिएगा, इसको नदियों पर डाल दीजिएगा, और हम भी यही करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण था नहीं, मुझे लगा ये परंपराएं हैं, शायद अनिवार्य होंगी, लेकिन मुझे भीतर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो नदियां जो हैं हमारे सनातन धर्म में, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, इसमें श्वास है। और एक तरफ तो हम माँ कहते हैं, दूसरी ओर हम अपना सारा निर्माल्य डाल देते हैं गंगा जी में, और जब वो निर्माल्य, वो पुष्प की मालाएं जब किसी प्रवाह में कहीं पर अटक जाती हैं, किसी पत्थर पर अटक जाती हैं, तो फिर उससे गंगा जी का जो वेग है वो प्रभावित होता है। तो उस समय आपको देखकर ये नहीं लगता कि माँ गंगा का श्वास अवरुद्ध हो रहा है। तो मैंने जब, मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, और जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे देखिए पद्म पुराण के क्रियायोग सारखंड में एक प्रमाण मिला कि जो भी पुण्य नदियाँ हैं, ये वैसे प्रत्येक जल के लिए लागू होता है, जो भी प्रवाहित होने वाला जल है, तो जो भी पुण्य नदियां हैं उस पर जाकर क्या 14 चीज कर लेने से अपराध तुल्य होता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश अपराध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नदियों के किनारे जाकर किए गए वो कौन से 14 अपराध हैं। लिखा है, गंगाम पुण्य जलाम प्राप्य चतुर्दश विवर्जयेत, शौच माचमनम केशम निर्माल्यम मलघर्षणम गात्र संवाहनम क्रीड़ाम प्रतिग्रह मथो रतिम अन्यतीर्थ रतिम चैव अन्यतीर्थ प्रशंसनम वस्त्र त्याग मथाघातम संतारम च विशेषतः परिधेयांबराम्बूनि गंगा स्त्रोतसी न त्यजेत। लिखी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है निर्माल्य, मैं वो बताना चाहता हूँ, और कुछ दो चार चीज़ें और बता दूँ। तो कि गंगा पुण्य जलाम प्राप्य, गंगा या अन्य पुण्य नदियाँ जो हैं उस पर जाकर चतुर्दश विवर्जित, कौन सी 14 चीज़ें वर्जित हैं। बोले शौच माच मनम केशम, नदी के किनारे पर कभी शौच नहीं करना चाहिए। आचमन, आचमन का अर्थ यहाँ पर कुल्ले से है, कभी भी नदी के किनारे जाकर नदी में कुल्ला नहीं करना चाहिए। केशम, बालों को नहीं झाड़ना चाहिए या कंघी नहीं लगानी चाहिए, क्यों, क्योंकि बालों को झाड़ेंगे कंघी लगाएंगे तो बाल गिरकर नदी में ही जाएंगे, नदी प्रदूषित होगी। और अब आ गया हमारा विषय, निर्माल्यम मलघर्षणम, निर्माल्य अर्थात भगवान को चढ़ी हुई चीज़ें भी नदी में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ये हमारे पास बंधुओं प्रमाण है। तो आज से संकल्प कर लीजिए कि हम कभी भी निर्माल्य को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है तो फिर क्या करें, तो आपने क्या करना है, उसको किसी स्वच्छ स्थान पर, मालाएँ हैं किसी वृक्षों में टंगा दीजिए, समय के प्रभाव से स्वतः ही गल जाएंगी, और हो सकता है उससे पुष्प आदि उससे और भी पल्लवित हों, अंकुर निकलेंगे। और या फिर आप गड्ढा खोदिए और उस सामग्री को आप गड्ढे पर डालकर मिट्टी से दबा दीजिए, वो खाद का भी काम करेगी। तो निर्माल्यम मलघर्षणम, मलघर्षण अर्थात मैल भी, नदियों में जब हम स्नान करते हैं तो मैल ऐसे रगड़ना, मलघर्षणम ये भी वर्जित है। और क्या वर्जित है, गात्र संवाहनम क्रीड़ाम, गात्र संवाहनम, गात्र अर्थात शरीर को संवाहनम, शरीर मलना, ये भी वर्जित कहा गया है। क्रीड़ाम प्रतिग्रह मथो, अन्य चीज़ें बहुत हैं, तो मुख्य रूप से निर्माल्य का हमको विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो आज से हम संकल्प कि निर्माल्य, भगवान को चढ़ाए हुए सामग्री को भी नदियों में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये हमारी जड़ता ही है, हम धर्म को समझ नहीं पाए, और देखिए कैसे अवरुद्ध हो चुका है नदी, किस प्रकार से व्यथित है, किस प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से नदी का श्वास घुट रहा है। आप देख सकते हैं नारियल पड़े हुए हैं, ये उन लोगों ने डाले हैं जो धर्म को मानते हैं। जरा सोचिए, जो धर्म को मानने वाले धर्म का रहस्य या उसकी जो दूरदर्शिता है उसको नहीं समझ पाए, तो जो नास्तिक हैं वो कैसे समझ सकते हैं। ये उन लोगों का काम है जो धार्मिक हैं। आप पुनः दिखाइए, देखो चुनिया दिखाइए, ये उन लोगों का काम है जो धार्मिक हैं। तो हम कैसे
कैसे हम दुनिया बदल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये कोरोना काल ने हमको समझा दिया है प्रकृति का हम सम्मान करें। वो देखिए, बहुत व्यथित होता है मन।